निक्की करदे समय बदले दी कोई उम्मीद ना रखो। नेकी करदे समय भला करदे समय बदले दी कोई उम्मीद ना रखो, क्योंकि अच्छाई दा बदला इंसान नहीं रब देंदा है। खो आए गुरु, वाहेगुरु, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। तू नेकी करदे वक्त पर उपकार करदे वक्त कोई अपनी जगह ना बना, खुशबोई पर उपकार कर। एक हाथ नेकी करे दूजे नू पता भी ना चले, ते ए पर उपकार ए नेकी करदे समय अपने अंदर कोई उम्मीद भी ना रख कि जिदी मैं हेल्प कर रहा कल नू एदे कोलों कोई कम लेना। खुशबोई पर उपकार कर, क्योंकि एक गल अपने जहन विच बिठा बंदे आ, तेरी नेकी दा तेरी अच्छाई दा बदला किसे इंसान ने नहीं देना, भगवान ने रब जी गुर परमेश्वर जी ने देना है। खो वाहेगुरु, वाहेगुरु, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल, कुछ साथ यकीन दवांदे ने कि वाकई प्रेम बड़ा खूबसूरत होंदा है। कुछ साथ ये यकीन दवांदे ने कि वाकई प्रेम बड़ा खूबसूरत होंदा है। गुरु नानक ते भाई मरदाना जी का साथ वेख लो, बाबे नानक दा भाई लालो जी का साथ वेख लो, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह जी भाई नंद लाल जी का साथ वेख लो जी। कह दो वाहेगुरु, वाहेगुरु, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन बाबा दीप सिंह जी। गुरु नानक जी दा ते बाबा बुढ़ा जी दा साथ वेख लो जी। कुछ साथ ए यकीन दमुंदे ने कि वाकई प्रेम बड़ा खूबसूरत होंदा है, इस करके उदे नाल प्रेम करिए। प्रेम गुरु रामदास ते बाबा दीप सिंह जी दा साथ वेख लो, प्रेम करिए। प्रेम मेरी बेनती है, अखर भावें ढाई ने प्रेमा भगती दे, पर प्यारे ओ इहदा मतलब बड़ा वड्डा है, इहदा अर्थ बड़ा वड्डा है। प्रेम दात बड़ी वड्डी है, जी साहब कृपा करके देवे। तो खैर जिहड़ी मैं गल कर रहा, कुछ साथ यकीन दवांदे ने कि प्रेम बड़ा ही खूबसूरत होंदा है, इस करके ओदे नाल प्रेम करिए। ओदी बनाई हुई खलकत नाल, ओदे बनाए हुए जीवां नाल प्रेम करिए। अगली गल, सच परेशान हो सकता है। जिहड़ा सच्चा बंदा है, जिहदे अंदर सच्चाई है, जिहड़ा सच्चे मार्ग दे उत्ते तुर रहा है, सच परेशान हो सकता है। वह बंदा परेशान हो सकता है, पर एक गल का ध्यान रखियो, सच परेशान हो सकता है पर सच हार नहीं सकता। कुछ समय लिए परेशान हो सकता है, सूरज के अगे कुछ समय वास्ते बदल आ सकते ने, पर जित ते फिर सूरज दी है ना। इसे तरह सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता, हार नहीं सकता, कोई सच नू जित नहीं सकता। इस वास्ते मेरी बेनती प्यारे ओ, यतन करिए जीवन दे विच सच्चाई ले आईए। सच की है ओदा नाम, सच की है ओदा उपदेश, सच की है ओदे मार्ग दे उत्ते तुरना। जीवन दे विच सच ले आईए, जदों जीवन दे विच सच रखांगे प्यारे ओ, फिर जिहदा नाम सच है, जिहड़ा आप सच है, ते फिर जिथे सच होएगा वो आप परमेश्वर गुरु रामदास भी उस जगह ते प्रतख होके वरतेगा। आखो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, गज के आखो धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल भी बड़ी प्यारी, तजुर्बियां ने शेरां नू खामोश रहना सिखाया है। तजुर्बियां ने शेरां नू खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ के कदी भी शिकार नहीं कीता जा सकता। इहदा की मतलब, जिहड़ा बंदा जिन्ना तजुर्बे वाला है,
जिन्ना गुणवान है उन्ना ही वह खामोश होएगा। खाली भांडे ज्यादा खड़कते हैं जिदे विच जिन्ना गुण पई जाणगे जिन्नियां दत्तां पई जाणगियां वह बंदा उन्ना ही शांत हुंदा जाएगा, खामोश हुंदा जाएगा। समुंदर वांग भावें उपर समुंदर दे लहरां उठदियां ने पर अंदर गंभीर है, इसे तरह वह बंदा जिदे अंदर गुण वधदे जाणगे, जिदे अंदर लाइफ दे तजुर्बे वधदे जाणगे, जिन्ने जिंदगी गुरु आशे मुताबक जीवीए वह बंदा फिर खामोश हो ही जाता है। खामोश, खामोश का मतलब ओदा जिहड़ा सुभाअ है वह गैर गंभीर हो जाता है। ओदा जिहड़ा सुभाअ है वह फिर चंचलपुणे वाला नहीं रहिंदा, शांत हो गया, ठहर गया, ठहर गया। कह दियो धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। तजुर्बियां ने शेरां नूं खामोश रहना सिखाया क्योंकि दहाड़ के शिकार नहीं हुंदे। जिहड़े जिन्ना रौला पाउंदे ने मैं ते आ वी कर देना, वह भी कर देना, वह भी कर देना, गल उन्हां कोलों नहीं बनदी। जिहड़े खामोश रह के अपना कम करदे ने वक्त आउंदा उन्हां दा कम ही एक दिन आके रौला पा देंदा। ये बंदे दे अंदर आ गुण ने। आखो वाहिगुरु, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। गज के आखो धन बाबा दीप सिंह जी। अगली गल ना बड़ी प्यारी किसी ने लिखी है, कहिंदा चढ़ती थी उस मजार पे चादरें बेशुमार और बैर बाहर बैठा एक फकीर सर्दी से मर गया। कल सुने होने, कहिंदा चढ़ती थी उस मजार पे चादरें बेशुमार और बाहर बैठा एक फकीर सर्दी से मर गया। वो प्यारिया कबरां दे उत्ते चादरां पौंना कदी जिउंदियां जी बंदे दी हैल्प करके ते वेख, जिहड़े जिउंदे ने उन्हां दी बांह फड़ के ते वेख। कबरां दे उत्ते तू चादरां पौंना, कबरां दे उत्ते तू दीवे बालना, ठंड दे समय विच कदी कंबल किसे लोड़वंद नूं दे दे, गुर परमेशर तेरे उत्ते आपे खुश हो जाणगे, शहीद सिंह तेरे उत्ते आपे खुश हो जाणगे, तेरे हरेक कम दे विच ओ आपे ही वरतन लग पैणगे। इदां करके ते वेख, कबरां दे उत्ते चादरां चढ़ाउणा है ते जे कोई बाहर लोड़वंद बैठा है जिहदे तन दे उत्ते कोई कपड़ा नहीं ओदा ही ठंड दे नाल मर रहा है ते तेरी चढ़ाई हुई चादर की करेगी भाई। ये मेरी बेनती है, जिउंदियां इंसानां दी कदर करिए, जिहड़े जीवत ने उन्हां दे किसे कम आईए, उन्हां नूं कुछ दान पुन करिए, जिहड़े लोड़मंद ने उन्हां दी मदद दा साधन बन जाइए, फिर गुरु जी भी तुहाडे उत्ते खुश होणगे। आप सवरो परिवार सवारो समाज आपे ही सवर जाएगा। प्यार सहित फतेह बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिन्हां जिन्हां ने अजे तक समागम शेयर नहीं कीता कर दिओ जी, अपनी अपनी ड्यूटी अपना अपना फर्ज निभाओ। हर सोशल मीडिया साइट दे उत्ते समागम दा लिंक शेयर करो। और जिहड़ी बेनती मैं करदा आ रिहा रोजाना कि आप जी जदों भी अमृतसर साहब आओ जरूर दो तीन घंटे का समा वध कट के आओ। इराम तीर्थ रोड अपने स्कूल दे विच हस्पताल विच बाबे नानक दी रसोई विच जरूर एक बारी चरण पा के जाओ, अपनी अखां नाल आके देखो कि किवें किवें सारे कार्ज चल रहे ने ते सानू असीसां बख्शो। और हर महीने की 20 तरीक नूं बीबी कौला जी दे गुरद्वारे जो बाबा टल राय साहब दे बिल्कुल नाले 8 तो 10 रात नूं बीबी कौला जी दे गुरद्वारे हर महीने की 20 तरीक नूं समागम फिक्स करता है। हर महीने की 27 तरीक नूं 11 तो 1 दोपहर दे समय ये जिहड़ा हस्पताल तुहाडा बन रहा है राम तीर्थ रोड ते उस जगह ते ये समागम फिक्स कर दिता है। पक्का ही गुरु जी की कृपा नाल दो समागम अमृतसर ते ये समागम साढ़े फेसबुक पेज भाई अमनदीप सिंह बीबी कौलां वाले उहदे भी लाइव ते साडा जिहड़ा यूट्यूब चैनल है भाई अमनदीप सिंह ऑफिशियल चैनल उहदे भी लाइव विखाए जाया करनगे। जिहड़े पहुँच सकते हो वो जी सद के आओ। बहुत संगतां
जो रोजाना चरण पा रही ने ते जिन्हें अजे तक नहीं आए वो एक बारी जरूर आओ ते जिहड़े समागमां ते आ जाओ वो होर अच्छी गल गुरु दीआं सीसां भी मिल जाणगीआं सानू तुसीं सीसां दे दिओगे। आओ जी हुण शब्द पढ़ना ते लड़ी वार जिहड़ी साडी कल तो एक विचार आरंभ होई है गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी की बाणी श्लोक महला नौवां उहदी व्याख्या वो आप आरंभ करिए। उस तो पहले शब्द जड़ा अज मैं पढ़ना पंचम पातशाह जी का उच्चारण किया 383 अंग गुरु ग्रंथ साहब जी के उत्ते दर्ज शब्द कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई नाओ ना जाने मेरा पढ़ियो जी प्यार कोई नाओ ना जाने मेरा कोई नाओ ना जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कहो नानक सब तेरी Thank you.
जीत आवे ता सदा दयाला लोगन क्या बेचारे बुरा पला कहो किसनो कहिए सगले जी तुम्हारे सगले जी को बिपना को पाख है बिपना को पाख है कोई ना जाने मेरा कोई ना जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कहो नानक सब तेरी वडियाई वडियाई जो प्रभ जी मन पाणी ओहो सुख ओहा वडियाई प्रभु जी मन पाणी तू दाना तू सद मेरवाना नाम मिले रंग माणी नाम मिले रंग माणी कोई ना जाने ना जाने मेरा कहो नानक सब तेरी वडियाई कहो नानक सब तेरी वडियाई कोई ना जाने
सब तेरी वडियाई। Guru,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੁੜ ਜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਜੋ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਨੌਵਾਂ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸ਼ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਓ ਅਗਲੇ ਸਲੋਕ ਦੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੈਣ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਜੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਬਹਾਦਰ
बहादुर सिमरिया कर नो नित आवे ताए सब थोई होए सहाए तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर अर्जन हर को बिंद नो सिमरो श्री हरि राए अर्जन हर को बिंद नो सिमरो श्री हरि राए श्री हर कृष्ण श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए सृष्टि दी चादर तेग बहादुर सृष्टि दी चादर तेग बहादुर सृष्टि दी चादर तन तन श्री गुरु तेग बहादुर 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 नो नित आवे ताए सब थाई होए सहाए तेग बहादुर बहादुर सिमरिया तेग बहादुर सिमरिया तेग बहादुर सिमरिया सारे अखो तन गुरु रामदास जी तन गुरु रामदास जी तन गुरु तेग बहादुर साहिब तन गुरु तेग बहादुर साहिब गज के आखो तन बाबा दीप सिंह जी
जो 1 मई नो सतगुरां दा 400 साला प्रकाश पुरब आ रहे है उसे नू समर्पित करके जो कल तो गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी दी प्यारी मिठी बाणी 9वें महल्ले दे श्लोकां दी व्याख्या प्रारंभ कीती है कीती भी जे कवां ਇਹ ਵੀ ਦਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਈ ਆਪ ਹੀ ਹੁਣ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਨ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਯਤਨ एक श्लोक कल दे दिवान विच तुसी सरवण कीता जिन्हां ने किसे कारण करके कल दा दिवान ना अटेंड कीता होवे सोशल मीडिया साइट दे उत्ते हर जगह ते ए प्रोग्राम पै जांदे ने तुहानू पता ही है ते आप जी उत्थों ए सरवण करके अपना लिंक जोड़ लेना अज दूजे श्लोक दे विच मेरे साहिब की बयान कर रहे ने मैं बेनती करदा गुरमुखां नू पढ़ियो जी बिखियन स्यो काहे रचियो निमख ना होहे उदास एक बारी सारे आखो धन गुरु तेग बहादुर साहिब धन गुरु तेग बहादुर साहिब सच्ची गल जे बड़ी ताकत जिस नाम दे विच ए कोई अमनदीप सिंह नहीं कह रहा गुरु गोबिंद सिंह साहिब पिता जी दे पावन पवित्र बचन ने ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ 9 ਨਦੀਆਂ 18 ਸਿੱਧੀਆਂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ 9 ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਨਿਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਬਤ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਹੀ ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਬਰਕਤ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਹੈ ਕਰ 9 ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਈ ਸਭ ਥਾਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਭਾਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਯਾਦ ਤੇ ਕਰਕੇ ਵੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੇ ਕਰ 9 ਨਿਦ ਆਵੇ ਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੂੰਜਵੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਹੇ ਉਦਾਸ ਪਿਆਰਿਆ ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਤੂੰ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਭੋਗਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਲਸ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਿਖਿਅਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ ਨਿਮਖ ਨਾ ਹੋਏ ਉਦਾਸ ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ
कोई असी माड़ा कम करना होवे, किसे दी निंदिया करनी है, चुगली करनी है, कोई भी गलत काम है, उस काम नू असी अपने तन मन दे नाल करदे आ, पूरा जोर ला देने आ, ते जे किते नाम जपना पै जाए, बंदगी करनी पै जाए, एक पाठ सुखमनी साहब दा करना पै जाए, दो जपजी साहब दे करने पै जाण, या घंटा कीर्तन सुनना पै जाए, उदों फिर बंदा आलस करता है, ढिल विखाउंदा है, वासियां लैंदा है, कदी गोड्यां दे इधर मुक्के मारदा, कदी इधर मुक्कियां मारदा है, किधर फस गए आपां, ये चीजां सोचदा है अपने अंदर। बुरे काम नूं करन वेले तू उदास होंदा ही नहीं, जरा जिन्ना अपना मन हटाउंदा ही नहीं, ते नाम जपण वेले तू आलस करना है, बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पैपै सोया, गुरु अर्जन दे पातशाह कह रहे। ओ भाई ओ मूर्ख बंदे आ, मंदे कम करन लई ते उसे वेले तैयार हो जाना है, बुरे काम को ऊठ खलोया, उसे वेले करना है, तुरंत कर देना है बुरे काम, पर नाम की बेला पै पै सोया, अमृत वेले नाम सिमरन वेले बंदगी करन वेले तू लम्मिया तान के प्या रहना है, लापरवाह होके सुता रहना है, होश कर। ये गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे, होश कर भाई, होश। जेड़े उत्साह नाल माड़ा कम करता है ना, उसे उत्साह नाल नाम जप के ते वेख, जिस उत्साह दे नाल तू निंदिया करना है, दो दो घंटे तीन तीन घंटे बुराइयां करना है, किते उसे उत्साह दे नाल नाम जप के ते वेख, तेरी लाइफ तब्दील हो जाएगी, तब्दील नहीं ते आम बंदे दा ए सुभाव है, साडा ए सुभाव है, बुरे काम को ऊठ खलोया, नाम की बेला पै पै, सारे बोलो नाम की बेला पै पै, केंदे अवसर अपना बुझे ना ए अन्ना, बेसमझ बंदा ए नहीं समझदा कि मनुखा जीवन की असली मौका है परमेश्वर नूं मिलन दा, ए मौके बारे सोचदा ही नहीं, ए अवसर दे बारे सोचदा ही नहीं, अवसर अपना बुझे ना ए अन्ना, अगे केंदे बोहर माया मो रंग लपटाना, कह दियो वाहिगुरु, अवसर अपना बुझे ना ए अन्ना, माया मो रंग लपटाना, केंदे अपना ए अवसर समझदा नहीं, ए वारी नूं समझदा नहीं, एदी कदर नहीं करदा, ते माया दे मोह दी लगन विच हर वेले मस्त रहिंदा है, मस्त ए सुभा है। गुरु तेग बहादुर साहब सानू इसे चीज तो जगाउणा चाहुंदे ने, बंदिया जिहड़ा कम करन आया ओ कर, बंदिया तू बंदा बन जा, बंदिया वाले कम कर, बंदे दा कम है बंदगी करनी, बंदे दा कम है सिमरन करना, बंदे दा कम है नेकी करनी, बंदे दा कम है अमृत वेला संभालना, बंदे दा कम है अपने साहब नाल अपना कनेक्शन जोड़ना, खो वाहिगुरु, पर तू ते भुल गया उस सर अपना बुझे ना या ना, माया मो रंग लपटाना, कह दियो वाहिगुरु, वाहिगुरु। ते अगे फिर गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने इसे शब्द दे विच ना होर सुमत दिती, ए गुरु तेग बहादुर साहब जी दे ए सलोक दी है जड़ी पंक्ति है ना, ए खुल रही है इस शब्द दे विच, गुरु अर्जन देव पातशाह कहिंदे, तेरे अंदर हर वेले लोभ दी लहर उठदी है, ते इसे लोभ दी लहर दे करके माया दे लाभ दे उत्ते तू आस रखदा है, माया दे उत्ते आस रखदा है, ते जिथे किते तैनू माया मिलदी है तू खुश हुंदा है, खुश, अंदर तेरे लोभ दी लहर उठदी है, आस तेरी माया दे उत्ते, जद की आस ते गुर परमेश्वर ते बननी चाहीदी है, आस ते तेरी बननी चाहीदी गुरु तेग बहादुर साहिब दे उत्ते, आस ते तेरी होनी चाहीदी है बाबा दीप सिंह जी दे उत्ते, पर तू आस माया दी रखदा है, ते जदों किते तैनू ए माया मिलदी है उदों तू फिर खुश होना है, लोभ लहर को बिगस फूल बैठा, साध जना का दर्स ना डीठा, तू माया दे मगर भजदा है, मैं कई बारी अर्ज करदा माया कली ए नहीं हुंदी, नोट ही माया ने, ये नोट ही माया नहीं, कले वाह वाह माया है, सोभा वड्याई मिल जावे, मेरा जगत विच नाम बन जावे, चार बंदे मैनू जानने भी माया, तू माया दे मगर लगदा है,
पर कदी भी भुल के महापुरखां दी संगत नहीं करदा, कमाई वालियां दी संगत नहीं करदा, उन्हां दे दीदार नहीं करदा, कदी संगत विच आके नहीं बैंदा। जिस संगत ने तैनू रंग भाग लाउणे ने, जिस संगत ने तेरियां अंदरलियां बाहरलियां तरक्कियां करवाउणियां ने, जिस संगत ने तेरा कनैक्शन अंदरों जोड़ना है गुरु रामदास नाल, जिस संगत दे कारण तेरे अंदर निर्वैरता आउणी, जिस संगत दे करके तेरे अंदर निम्रता आउणी है, जिस संगत दे करके तेरा विकारी जीवन खत्म हो के पर उपकारी जीवन बनना है, प्यारे ओ संगत ते तू कदी करदा ही नहीं। साध जना का दर्शन डीठा कह दे वाहिगुरु। ते अगे साहब कहिंदे कबहू ना समझे अज्ञान गवारा, आत्मक जीवन दी सूझ तो सखना मूरख बंदा, अपने असल भले दी गल कदी समझदा ही नहीं। असली भला एदा किथे, असली भला ते संगत विच, ए चीज नू कदी समझदा नहीं, दूजियां चीजां दे मगर लगा फिरदा। कबहू ना समझे अज्ञान गवारा, बहुर बहुर लपटियो जंजारा। कह दियो वाहिगुरु। ते मुड़ के धंधियां दे विच ही रुझा रहिंदा। जे कोई कवे भाई नाम जप लै, बंदगी कर लै, सिमरन कर लै, कहिंदा नहीं अजे मेरे कोल टाइम नहीं, मेरे कोल समा नहीं बंदगी करन दा, मेरे कोल समा नहीं अमृत वेले उठण दा। बहुर बहुर लपटियो जंजारा, जंजालां विच फसिया रहिंदा है, पर जेड़ा कम असलियत दे विच करन आया उहदे लई इहदे कोल समा कोई नहीं। बिखै नाद करन सुन पीना। माया दे मोह विच अन्ना होया बंदा, विशे विकारां दे गीत सुन के खुश हुंदा है, कन्ना राही ओ गीत सुन के खुश हुंदा है, नाम नहीं सुनदा। ओही गल आ रही, पढ़ियो की कहा सी महाराज ने, बिखिया नस्यो काहे रचियो, निमख ना होए उदास। कहिंदे बिखिया नस्यो काहे रचियो, निमख ना होए उदास। ਉਹ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਨਿਮਖ ਮਾਤਰ ਵੀ ਅੱਖ ਝਪਕਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਢਿੱਲ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਖੈ ਨਾਦ ਕਰਨ ਸੁਣ ਪੀਨਾ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗੀਤ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣਤ ਆਲਸ ਮਨ ਕੀਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਹਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਅਨਮੋਲ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਨੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆਂ ਫਿਰ ਆਲਸ ਕਰਦਾ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਪੇਖਤ ਅੰਧੇ, ਹੇ ਅੰਨੇ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨਾਹੀ ਰੇ ਪੇਖਤ ਅੰਧੇ, ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਧੰਦੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਖਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਛੋੜ ਜਾਹੇ ਝੂਠੇ ਸਭ ਧੰਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰ, ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਨਾ ਕਰ, ਚਿਰ ਨਾ ਲਾ, ਆਲਸ ਨਾ ਕਰ, ਦਲਿੱਦਰੀ ਨਾ ਪਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਣ ਵਿੱਚ ਆਲਸ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨ ਹੀ ਤੂੰ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ ਗਰੀਜੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੀਜੇ। ਖੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੰਗ ਰਤੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਆਲਸ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਲਸ ਦੂਰ ਖੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਮੈਂ ਬੈਠਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚਾਉ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾਂਗਾ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਸਾਧ ਸੰਗ।
दीजै। इत्थे एक होर बड़ा प्यारा नुकता सतगुरां ने दिता इस शब्द विच, कहिंदे तौ के छपाई है जौ होई है रेना। कहिंदे हासिल सब कुछ उदों ही हुंदा है, उदों ही कुछ हासिल हुंदा है जदों बंदा अंदरों मन नीमा करदा है, गुरमुखां दे चरणां दी धूड़ बन जांदा है। जदों अंदर अपने निमाणापन रखदा है, अंदर अपने निम्रता रखदा है, होमे ईगो दा अपने अहंकार दा त्याग करदा है, कहिंदे उदों ही फिर इहनू दातां मिलदियां ने। कहदे वाहिगुरू तौ के छपाई है जो होई है रेना, जिसै बुझाए तिस नाम लैना। कहिंदे जिस बंदे नूं परमेश्वर सूझ बख्शदा है, वह संगत विच टिक के उहदा नाम सिमरदा है। मेरे कहण दा इशारा समझियो जी, जो गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने मोहर लाई है ना, मोहर मेरे साहब कहिंदे ओ प्यारिया अजे भी होश कर, होश बिखियन स्यों काहे रचियो निमख ना होए उदास। विषयां नाल क्यों इन्ना मस्त रहिंदा है, क्यों तू अख झपकण जिन्ने समय लई भी विषयां तों चित नहीं हटाउंदा, ओ बंदिया बंदा बन जा, कुछ भी नाल नहीं जाना। कहिंदे बिखियन स्यों काहे रचियो निमख ना होए उदास। के जी कहो नानक भज हर मना, परे ना जम की फास। गुरु तेग बहादुर साहब कहिंदे हे मेरे मना, परमात्मा दा भजन करिया कर, परमेश्वर दा भजन करिया कर, ते परमेश्वर दे भजन दी बरकत पता की है, जदों तू नाम जपेगा, सिमरन करेगा, भजन बंदगी करेगा, भजन दी बरकत दा सदका जमा दी फाही तो तू बच जाएगा, जमा दी फाही तेरे गल विच नहीं पाएगी। जे तू नाम जपेगा जमदूतां तो तेरा छुटकारा हो जाएगा, नहीं ते ज्यों जम आए केस गए पटके, फिर ते ओसा बन जाना तेरा। जे बंदगी नहीं करेगा फिर धर्म राय जब लेखा मांगे, क्या मुख लेके जाएगा। ओ बंदगी कर, बंदें बंदियां वाले कम कर। कहो नानक भज हर मना, परे ना जम की फास। ए भजन दा प्रताप ही, बंदगी दा प्रताप ही, प्रताप तुम्हारा देख के जमदूत छड़ जाए। जमदूत भी पिछे हो जाते ने, सुन के जम के दूत नाए तेरे छड़ जाए। ये मेरी बेनती है सत्संगियो, अज दे सलोक विच जो मेरे सतगुरु सानू समझाउणा चाह रहे ने, असी समझिए। माड़े कम करन लगे हैं जिवें उत्साह विखाउने आ ना, उन्हां कम्मां तों करिए परहेज। नाम जपण वेले उत्साह विखाइए, जिवें असी गाने विशे विकार गंदे गीत सुनन लगे हैं उत्साहत होंने आ, साडा तन नचदा है। ओ प्यारिया तू बाणी सुनन वाले पासे अपने मन नू ला, ते बाणी दे आनंद विच तेरा मन झूमे। साहब आ समझाउणा चाहुंदे ने अज दे सलोक विच, कहिंदे बिखियन स्यों काहे रचियो निमख ना होए उदास। कहो नानक भज हर मना, परे ना जम की फास। समा हो गया है, कल दे दिमान विच फिर तुहाडे दीदार मेरा साहब करवावे मेर करे। दो सलोक सतगुरां ने सेवा लई, ते अगां कल दे दिमान विच फिर तुहाडे दर्शन होण। जिन्हां जिन्हां नूं अजे तक इस समागम दा नहीं पता लगा, उन्हां दी भी लड़ी जुड़ जावे। ये 400 सालां नूं समर्पित ए, कल तों शुरू कीते ने नौवें महल्ले दे सलोक। ते मेरी बेनती, कोई भी गैर हाजरी ना करियो और ये मैसेज वध तों वध शेयर करियो। गुरु कृपा करे अज दे समागम होर चल रही सेवावां विच जिन्हां जिन्हां ने हिस्सा पाया, गुरु जी तुहानूं बरकत पाउण, चढ़दियां कलां बख्शन, प्यार सत फतेह बुलाओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।